शतम् अग्निः वायुः। सर, इन दिनों शहर में लड़कियों पर रेप और हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। उसका कोई उपाय नहीं है? मैं भी उसी बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। हम उसे बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। और कितने दिन लग जाएंगे सर? और ऐसी कितने हत्याएं होंगी? पूरी जनता को लग रहा है कि ये बात अब आपके बस की नहीं रही सर। ये जनता की बात नहीं, ये आपकी बात है। आप लोग इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन मत कीजिए। पीड़ित लड़कियों के घर जाकर मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ। कल रात 2 बजे पुलिस कमिश्नर से मैं इसी बात पर डिस्कशन कर रहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा पुलिस के बस की बात है। आपको क्या लगता है? कुछ ही दिनों में अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये केस हम CBI को हैंडओवर कर देंगे। सर, ये तो मानते हैं कि KMG ने आपको CM की सीट पर बिठाया है और उनका आप पर पूरा विश्वास है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? कृष्णमूर्ति की सपोर्ट की वजह से मैं CM बना, आप सब लोग जानते हैं। बिल्कुल सही है, इस देश में 10 करोड़ की जनता, उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, किसी एक इंसान की नहीं। इतना ही नहीं, आखिर मैं एक CM हूँ, मैं कोई कठपुतली नहीं कि जो किसी के इशारे पे चलूं। और एक बात, मुझे किसी KMG ने या PMG ने CM नहीं बनाया, मुझे मेरी जनता ने CM बनाया, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जान लो। एक्सक्यूज मी सर, KMG का PA आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। नमस्ते सर, कल KMG का बर्थडे है सर। मुझे पता है, मैं जरूर आऊंगा। कल बराबर 8:30 बजे KMG केक काटेंगे सर। आधा घंटा पहले ही आ जाऊंगा। आज आप CM पद से इस्तीफा देके कल XCM बनेंगे, ऐसा PMG ने कहा है। क्या बोला तुमने? इस्तीफा देके कल XCM बन के आने के लिए कहा है सर। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? CM की पद भी उनको कोई सीढ़ी लगती है क्या? जब बोलेंगे तो चढ़ जाएं, जब बोले तो उतर जाएं। पता नहीं सर, मुझे जो कहने के लिए कहा कह दिया। उन्होंने कहा इस्तीफा दे दो तो मैं दे दूंगा, कोई उनके घर का गुरखा हूँ मैं? जो KM बोलेगा मैं मान लूंगा? इतना बेवकूफ हूँ मैं? मैं इस्तीफा नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। नहीं दूंगा तो कुछ करेंगे? मैं वो सब नहीं जानता। नमस्कार, आज दिवाली, रमजान, क्रिसमस कुछ नहीं है, आज है KMG का जन्मदिन। KMG के बारे में क्या कहें? महात्मा गांधी जी को मरवाने वाला गोडसे, जीसस को बेरहमी से मरवाने वाला जुडास, परंतु KMG का इस राष्ट्र में कोई भी दुश्मन नहीं। इसका कारण है उनकी अच्छाइयाँ। KM मतलब किंग मेकर, इस नाम को जनता ने बड़े प्यार से दिया है। राष्ट्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके नायक यही है। CM से लेकर वार्ड काउंसिलर तक सब के सब इनके इशारों पर चलते हैं, और अच्छे लोगों को वो अपने भाइयों जैसे समझते हैं। वो एक बहुत ही महान इंसान है, और ऐसे महान इंसान का आज जन्मदिन है। STV पे आप बस ये देखते रहिए, देखते रहिए। आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पिताजी। थैंक्स, हैप्पी बर्थडे दादाजी। जिन्ना कृष्णमूर्ति। तुम लोग इस तरह मेरे आगे पीछे करते रहोगे तो सारे पॉलिटिकल लीडरों के नजर में आ जाओगे। चलिए डैडी, केक काटते हैं। केक काटने के लिए तो अभी वक्त है बेटा, इतनी क्यों जल्दी है? KMG, नमस्कार। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। फोटो खींचो, फोटो। सर, आज जन्मदिन के अवसर पर आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। मुझे तो बस इतना ही कहना है कि स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई, लेकिन अब वो समय नहीं है।
आज कोई अपना खून भी किसी गलत काम करने वाले को दे देता है तो भी एक देश सेवा है। आप अपना 85वां जन्मदिन मना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप सब लोगों के बीच मना रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर। पिताजी, राहु काल का समय हो गया। केतु ने अभी राहु को खाया नहीं। ए, इधर देख के करना रे। इधर ही देख के बना रहा हूँ। क्या रे, तू तो 10 सालों से यही काम कर रहा है, तेरा जन्मदिन कभी है मालूम है तुझे? अरे सर, मेरा जन्मदिन तो मेरी माँ को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, आज मेरी लड़की आ रही है, उसकी शादी तय करनी है, मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है, डोनेशन देना है, ये सब बोलता था तू, आज इतना चुप क्यों है? अब आपको कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। क्यों, आज पैसे तेरे घर में झाड़ पे लगने वाले हैं क्या? नहीं सर, भगवान की दया से पैसे का इंतजाम हो गया है। और कौन है जो तेरी मदद कर रहा है? केएम जी ने किया है। हाँ भैया भंडारैया। केएम जी, मुझे ना कल से तू ही है नया सीएम। मैं कुछ समझा नहीं। उसी के हज्जाम ने उसकी दाढ़ी करते वक्त मिलते ही उसका गला काट दिया। उस पुराने सीएम की वक्त से पहले ही आंख बंद हो गई, इसीलिए कल से ये कुर्सी तुम्हारी है। आपने कितनी बड़ी बात कह दी, कुर्सी पे मैं बैठूंगा लेकिन हुक्म आपका ही चलेगा। वो तो मुझे पता नहीं, पर उस तरह दोबारा टेढ़ा जा सकता है। हम लोग अभी सेंट्रल जेल में हैं। केएमजी अपने जन्मदिन पर हर साल की तरह कैदियों को वो दूध और फल बांटने आए हैं। मैं मानसी, एसटीवी से। नमस्कार सीताराम भैया। आप लोग आइए। हाँ चलता हूँ सर। चलिए। हाँ चलता हूँ। इस महीने के 16 तारीख को तुम्हारी सजा खत्म हो रही है, सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस उम्र में भी तुम्हारे चेहरे पर वही रौनक है और तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। सीताराम भैया, इस बात का मुझे गर्व हो रहा है और मुझे जो चाहिए वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन हर जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ क्यों मनाता हूँ पता है तुम्हें? क्योंकि घर से भी ज्यादा खुशी मुझे यहाँ मिलती है, इसलिए क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मैं और तुम उस दौर से एक साथ चलते आ रहे हैं और आज इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन आज तक तुमने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। केएम जी की कृपा से मैं सीएम का पद स्वीकारने जा रहा हूँ। भंडारैया, ये मेरे बाल मित्र हैं, इनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लो भाई। हाँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप भी। चल जाओ। अरे मैं अकेला ही बके जा रहा हूँ। यहाँ सब ठीक है ना? खाना वाना तो ढंग से मिल रहा है ना? धूप में गर्मी बहुत होती होगी, यहाँ पर एसी लगा देता हूँ। मुझे मारने की तुम्हारी हर कोशिश नाकाम रही और ये 18वीं बार तुम्हारी शिक्षा बढ़ रही है और अब मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। जेलर सर, इस पर चूना डाल के एसी लगा दो। अरे सीताराम भैया, चिंता मत करना, यकीन करना, मरने से पहले मैं तुझे रिहा कर दूंगा। हे कृष्णमूर्ति। के एम किंग मेकर। भद्राचलम में शादी है हमारे गांव में होने के बाद। ओके, भद्राचलम में शादी है हमारे गांव में होने के बाद वहां शादी चालू करेंगे। छोड़िए अपनी बढ़ाई, अब यहां भी शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन अपनी बेटी कहां है? ओहो मिनिस्टर जी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। क्या देख रही हो सत्यवती बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं मंदिर जा रही हूँ ताकि हनुमंत मुझसे शादी कर ले। जब तुम बचपन में फ्रॉक पहनती थी तब उसने देखा था तुम्हें। अरे वो क्या तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा? क्या रे, प्रेसिडेंट होने के बावजूद मैं ही मुर्गी को बुलाया वैसे आ गया और तुम लोग कब आ रहे हो? क्या कर लिया आपने जल्दी आके? नरसा राव फ्लैट से आया हूँ और वो नंबर 1 भगवान है। यही तुम्हारा भेष है क्या? हाँ यही मेरा भेष है। सिनेमा वाले आए थे उनको मना कर दिया, बिजी इन फ्रेंड्स। हाँ बिजी फ्रेंड्स हैं। हाँ? वीडियो सही रखो पिताजी। ये कौन है? भीम। हाँ? क्या? ये भीम है, ये तो मेरे से भी दुबला दिख रहा है। तेरे जैसे के पास जाके ही ऐसा हो गया। हाँ? बनकर यहाँ बताना जरूरी है। अरे भाई साहब, आपको खाना खा के कितना दिन हुआ? पूरे 2 दिन हो गए। वो तो दिख ही रहा है। हाँ? अरे कब खाना खाते हो? बताऊँ, जब वक्त मिलता तब। ये सही बोला। फिर राम कहाँ है? ये देखो मैं हूँ राम। ये राम है,
फिर राम का धनुष बाण किधर गया? अरे कहाँ से इनको पैसा दे, पैसा हो तभी तो दे। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो तो ठीक है, लेकिन राम की सीता किधर गई? है क्या तू ऐश्वर्या जैसी सीता नहीं दिखी? बापरे, मुरझाए हुए फूल जैसी ऐसी सीता हो रही है। एक चीज तो हम लोग भूल गए, सब मूर्तियाँ तो ले आए लेकिन हनुमान जी की मूर्ति वहीं रह गई। अरे छोड़, वो नहीं लाए तो क्या हुआ? वो कैसे आ रहा है? मोटरसाइकिल पर बैठा हल्ली आ रहा है, डगरा। अब वो छोड़ेगा नहीं। कौन है भैया वो? हनुमंता रे, अगर हम उसको मिल गए ना तो हमारे इतने छोटे छोटे टुकड़े करेगा कि ढूंढने से भी मिलेंगे नहीं। अगर हम मूर्ति के साथ उसको मिल गए तो हमारी इतनी पिटाई करेगा, ऐसी पिटाई करेगा कि हमारी खुद मूर्ति बन जाएगी। इसलिए चल उसके पैरों पर गिर जाता है, उसको मूर्ति वापस कर देता है। अर्जो, कितनी मुश्किल से हम लोगों ने मूर्तियाँ चुराई, इतनी आसानी से उसे लौटा देंगे क्या? अरे इधर ही आ जाओ। क्या चला गया? अरे गया नहीं है रे, ये मूर्तियां हमसे वापस लेके ही रहेगा, हम उसके हाथ से बिल्कुल भी बच नहीं सकते। हनुमंता, गांव वाले मुझे शक्ति का अवतार समझते हैं और पूजा करते हैं, मैं उनका रक्षक हूँ। भगवान, तुम मुझे बताना।
मेहरबानी करो दया, दर्शन देने आओ यहाँ। सीता के संग आओ रामैया, संग लखन को भी लाओ रामैया, उम्र में बनवासी हूँ जय तेरी रामैया, पिता वचन को शीश पे धरे जय तेरी रामैया, अहिल्या का शोक मिटाया जय तेरी रामैया, शिव धनुष तोड़ के दिखलाया जय तेरी रामैया, सीता जी को आप मन भाए जोड़ी आपका मन खिल खिल उठता, जय हो जय तेरी सीता मां रामैया, आपकी महिमा है सारे जग से न्यारी गरिमा। मित्रता निभाई सुग्रीव से बाली से युद्ध आप लड़े, दोस्ती के लिए ऐसी मिसालें आज के युग में कहां मिले, युग में बस एक अवर है आज ही रावण, गली गली में घूम रहे हैं रावण ही रावण, अरे आज के युग की रक्षा करने आओ प्रभु धरती पे आओ, पापियों और धोखे बाजों से आके अपनी सृष्टि बचाओ, आओ जी आओ श्री रामा ये देश बचाओ, ओ रामा रह सब मिलकर श्री रामा मेरे राम राज कर, ओ रामा ना किसी मजलूम पे हो सितम कोई भी रामैया, चारों तरफ खुशी रामैया रामैया रामैया, बिंद सुनो हे रामैया, कष्ट हरो हे रामैया, जय जय हो रामैया, सब पे अपनी करो दया, दर्शन देने आओ यहाँ रामैया। घर उल्टा हो गया, सीधा करेंगे ये घर है, क्या भाई मत बोल, हम सबसे ज्यादा इज्जत है इस जिले में हनुमान की, चुप कर, मैंने भी वही कहा है भाई को घर जाने के लिए, चलो सब लोग चलो भाई। क्या है भाई, मुझे डर लग रहा है भाई, बाप रे डर, तुझे पता है तू कौन है, इस गांव का हनुमंत है, हनुमंत जी के हनुमंत भाई, तुम अंदर जाओ, ये जिले का नहीं पूरे राज्य का, राज्य में नहीं पूरे देश में इज्जत है हनुमंत की, अमेरिका का तो धर्म है हनुमंत का, मेरे को बल्ली का बकरा मत बनाओ तुम, हम लोग अभी अंदर जाके इसका ऐसा मेकअप करेंगे, ऐसा मेकअप करेंगे, इसका डेकोरेशन चेंज करके इसको सेट पर रख देंगे, चल अभी नाटक मत कर, अभी अंदर जा, चल 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 अंदर जा, जा तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ, जाना तू जाऊँ भाई, लोगो आप लोग पहले जाओ, ये पागल है क्या रे,
अंदर जाकर हम लोगों ने इसे बिरयानी दी तो इसकी माँ ऐसी आंखें दिखाएंगे कि हम लोग नजरों से ही बाहर फेंक दिए जाएंगे। वहीं पे रुक जाओ। अगर घर के अंदर पैर रखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं। हाँ तोड़ोगी तोड़ोगी, मेरे हाथ में तोड़ने के लिए मुझे इतना बड़ा किया है। ए बेबी, ये क्या तुम अभी तक सोई नहीं? रात भर जागती रहोगी तो सेहत खराब हो जाएगी, और इस गांव में तो डॉक्टर भी नहीं है। तुम्हें कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? बेबी मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, तूने क्या काम किया ये बता मुझे। ऐसा मैंने क्या किया, त्योहार का दिन था, सब लोग बैठ के पी रहे थे, मुझे पीने को बोला तो मैंने भी थोड़ी पी ली। इसमें क्या हुआ, मैंने किसी लड़की को छेड़ा थोड़ी ना। अगर तुम्हें मारने का इतना ही शौक है तो गांव में जाके किसी को मारो, बहुत मिलेंगे वहाँ पर। उससे पहले किससे लड़कर आया ये बता। मंदिर से भगवान की मूर्ति लेकर भाग रहे थे, मारता नहीं तो पूजा की थाली लेके उनकी आरती उतारता। गांव में जब किसी को कुछ नहीं पड़ी है तो तुझे क्या पड़ी है? मुझको क्या पड़ी है, एक बात बताऊं? ये देख बेबी, ये बॉडी और ताकत सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए नहीं है, जरा गाँव वालों को जाके पूछो मेरे बारे में क्या कहते हैं। अमेरिका से हनुमंता को लोग ढूंढने आते हैं, मैंने जो भी कहना था वो कह दिया। लगता है तुमको मुझसे जलन होती है, क्योंकि तुम्हारे पति और बेटे के पास वो सब नहीं है ना, इसलिए पीछे से बड़बड़ाती रहती हो तुम। हाँ सुन रहे हनुमंत, जिन लोगों को तूने मारा है उन लोगों ने कल को तुझे कुछ किया तो? कोई भी आकर मुझे मार के जाएगा, इसलिए मेरी माँ ने जन्म नहीं दिया। मैं चूहा नहीं, मैं एक शेर हूँ, शेर, शेरनी ने मुझे पाला है। बेबी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो ना, उसके बाद ये टपोरी मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ये मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अरे बाकी बात है छोड़ो, ये बताओ खाने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने आज खाना नहीं पकाया। ए, तुमने अगर चूल्हे पर दूध भी रखा हो तो उसकी खुशबू मुझे दूर दूर तक आ जाती है। तुमने आज खीर पकाई है ना, चलेगी मुझे, चलेगी। चल जा रे। जाता हूँ जाता हूँ। ऐसी खीर खिलाकर तुमने अपने पति को पटाया होगा, इस मामले में बहुत चालाक हो तुम। देखो बेबी मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे पैर मत काट देना वरना जिंदगी भर बोझा उठाना पड़ेगा। हाँ लगता है तुम्हारे जुल्मों से परेशान होकर दादाजी ने संन्यास ले लिया। और फेयर एंड लवली फ्री में दे दिया है, कितना लचीला शरीर है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं क्या खाता होगा जो इतना सुंदर लगता है। अरे उसे क्या नजरों से ही खाएगी, मुझे ऐसा कोई मिल जाए तो शादी की जरूरत नहीं। ए, ठीक से कसरत करो नहीं तो दामाद को गुस्सा आ जाएगा। 15, 22, 34, 45, 83 से गिनते गिन, अगर गलत गिनेगा तो शुरू से गिनना पड़ेगा, समझ गया? और कोई काम धंधा नहीं है क्या, सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? आदमी को थोड़ा फिट रहना चाहिए, समझा? फिर वो राव को पाल रहा हूँ ऐसे क्यों बोला?
आदमी को फिट रहने के लिए थोड़ी बहुत कला तो आनी चाहिए ना। जाएगा तो भी चुप नहीं बैठेगा। कला का मतलब क्या है मालूम है? वो शुभम्मा के पीछे लगा रहता है। वो तभी तुमने देखा क्या? हमको अंदर जाने के समय देखा था कि अंदर जाने के बाद देखा था? अंदर जाते हुए भी देखा, अंदर जाने के बाद भी देखा, बात सब जगह फैल गई है। शुभम्मा ने कहा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे पास पहुँच गयी। ऐसे लग रहा है उसे अपने बाहों में भर लूं। ओए, चुप बैठो वरना झगड़ा हो जाएगा। तुम सबको मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा होने वाला जीजा है वो, समझे? हनुमान तेरा पति बनेगा ऐसा क्या उसने लिख के दिया है? तू ही है जो पागलों की तरह उसके पीछे घूमती है। ए, एक बात सुन, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे, मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। कल रात मैंने सपने में देखा कि इतनी रात को किसका फोन है? हेलो, कौन? मुशर्रफ, क्या क्रिकेट देख रहा है? मेरी गलती है, मैं नल्ला गोंडा का प्रेसिडेंट कार्तिक वीर भद्रा राव। सुनिए, दया कीजिए, जरा इस फोन को भी आराम करने दीजिए। 4 दिन भी नहीं है फोन चालू किया और इसे तकलीफ होने लगी। क्या हुआ बाबा, इस वक्त क्यों आए हो? तुमसे मिलने के लिए इससे अच्छा वक्त कौन सा होगा? किस लिए? जाओ, दिन भर तो मेरे पास भी नहीं आते और रात में मुझे छोड़ते ही नहीं। ओ मेरी प्यारी सत्यवती, प्यार किया है तो जमाने को दिखाना जरूरी है क्या? तुम्हारे पास आता हूँ इसलिए तो हाथों में तुम्हारे नाम की माला बांध कर घूमता हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम मेरी बाहों में आ गई तो मैं तुम्हारे साथ पता है क्या करूँगा? मैं तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा। छी, हटो जाओ उधर। आओ ना। छोड़ो, भला सपना कभी सच हो सकता है? जरूर सच होगा, क्या कर लेगी तू? अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो हम सब हनुमान की तरफ देखना छोड़ देंगे। तो देख मैं क्या करती हूँ। मुझसे अब नहीं होगा, तुम लोग इतना कसरत नहीं करते हो। 1005, 2006। तुम लोग चलो निकलो यहाँ से। मुझे जरा हनुमान से कुछ पर्सनल बात करनी है। ये पर्सनल कह रही है? इंग्लिश तुमने सिखाई क्या? इतना सही कैसे उसने कहा? करंट करंट नहीं। अच्छा अच्छा, ओए चलो निकलो यहाँ से। ए तुम ठहरो रे। हाँ ठीक है। क्या हुआ, क्या चाहिए? वो क्या है कि एक बार तुम लव यू कह दो ना, एक काम हो जाएगा। वो तो जिससे प्यार करते हैं उसी से कहते हैं। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मेरे दिल में बसे हो, मैं तो तुम्हारे बगैर बिल्कुल जी नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें रख लेती हूँ। अरे मेरी माँ, ये क्या बोल रही हो? रखती हूँ नहीं होता है, प्यार करती हूँ होता है। तो मैं कह रही हूँ ना, मैं हनुमान से दिलो जान से प्यार करती हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? गुटका। अरे ये मुझे हाथ लगा रही है तो मुझे करंट लग रहा है यार। औरतों का पावर ऐसा ही होता है रे, उनके शरीर में वायरिंग होती है, इसीलिए तेरे को शौक लग रहा है। तू ज्यादा नरम मत पड़ना, नहीं तो तुझे पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। तू घूमता रहेगा और घुमाती रहेगी। करेक्ट। हाथ निकालो, हाथ निकालो, मैंने कहा हाथ निकालो। तुमने मुझे धक्का दे दिया, इन बेशरम लोगों के सामने तो मेरा अपमान कर रहे हो। ये क्या बोल रही है? हमारे गुरु को बेशरम बोल रही है? तुम इतनी जल्दीबाजी मत करो, उसने तुम्हारे लिए भी कहा है। तुमने मेरा अपमान किया है, मैंने अपनी जान नहीं दे दी तो मेरा नाम भी सत्यवती नहीं। भाई ये क्या कह के जा रही है? जब उसने कहा है तो जरूर करेगी। तुम जाओ रस्सी लेके आओ, तुम मेरे साथ चलो। सत्यवती, ए सत्यवती, तुम ऐसा मत करना, रुक जाओ। हनुमान, सत्यवती, 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 भाई ये तो उठ नहीं रही है। वो नहीं उठने वाली है, इतनी ऊंचाई से जंप लगाया है, उसके पेट में पानी घुस गया है, पानी निकालना पड़ेगा। पेट को दबाते रहो, दबाते रहो। शादी से पहले? अरे पेट दबाने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? तुम करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। ये क्या है? हाँ साइड ट्रीटमेंट, साइड ट्रीटमेंट नहीं रहे, साइड ट्रीटमेंट। अरे हाँ वही कह रहा था। अरे चलो ना, तुम पेट दबाओ उसका। अब
अब एक काम करो, उसके मुंह में मुंह डाल के पानी खींचो। नहीं मैं नहीं। मैं नहीं करूँगा। मैं करूँ क्या? कैसे नहीं करेगा? साइंस ट्रीटमेंट कर लो। ओके। तुझे क्या हुआ रे? लगता है कुछ आवाज आई। तो तुम करो। सुबम्मा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, तुम ही करो। करना पड़ेगा। करो ना यार, कभी से ना कर। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई इसको तो तैरना आता है ना? हाँ आता है। अरे जब तैरना आता तो ये डूबी कैसे? करंट है। लेकिन ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? उसके लिए अगर लगती है। हाँ हाँ। अब देखो, अब इसे मैं दिखाता हूँ। दे दो दे दो दे दो। एक छोटे से गांव में जन्मे हुए MBBS एंट्रेंस एग्जाम में स्टेट में फर्स्ट आने वाले आपके प्यारे सुधाकर जी का इंटरव्यू लेने STV आपके गांव में आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। यू ब्रूट, हाउ डे यू टच मी। ए हो, अरे ए, तेरी इतनी हिम्मत, थ्योरी, मेरे हनुमान पे हाथ उठा रही हूँ। तेरे ये हाथ तोड़कर चूल्हे में डाल दूंगी, समझे? अगर लड़का हाथ पकड़ कर खींचेगा तो उसे पप्पी दूंगी क्या? ए चल जा रहे। ओए मेरा हनुमान ऐसा वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो सब लड़कियाँ अपना अपना काम छोड़कर यहाँ जमा हो जाती, और वो अगर ऐसा नहीं करता तो तुम्हें शौक लगकर तुम चल के खाक हो जाती, समझी? अरे मेरी सुरेखा, ये क्या बोल रही हो? ये सब उसे पता है। अरे लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो करंट मारे। आप कुछ दिल पे मत लेना। हाँ तो सुधाकर जी, इतने छोटे गांव में जन्म लेकर आपके परिवार में कोई नहीं था, इतनी प्रॉब्लम्स में भी आप स्टेट में फर्स्ट आए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? STV के दर्शक ये जानना चाहेंगे। एक दिया जलने से 10 लोगों को जाला मिलता है, और अगर मैं वो दिया हूँ तो उस दिए को जलाने वाला एक ही आदमी है जो मेरे दिल में रहते हैं, और वो है मेरे प्यारे, मेरे हनुमान भैया। क्यों रे, मैंने तेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे इतना बड़ा आदमी बना रहा है? मैं क्या भगवान हूँ? आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना, इसीलिए वो आपके इतने आभारी हैं। आइए आप भी कुछ कहिए। मैंने नहीं नहीं, ए तुम शर्माते क्यों हो? तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं ही वहाँ जाता हूँ और जाकर करंट ले लेता हूँ। अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी। तुम जाओ ना बाबा, पंचायत की कलर TV में देखोगे। जाओ ना बाबा, प्लीज। ना 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 ना, क्या बोल रहे हो? तुमको इतना अच्छा चांस मिल रहा है, अभी तक अपने गांव में कोई रेडियो में भी नहीं दिखा। अबे बुद्धू, हम सबसे ज्यादा इज्जत तो हनुमंत की है। आपको क्या लगता है, हनुमान जी टीवी में आने चाहिए या नहीं? आने चाहिए, आने चाहिए। अरे छोड़ो ना, आराम से आने चाहिए। देखो बेबी, मैं मना कर रहा हूँ लेकिन ये सब लोग मुझे ढकेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है हमने ढकेला है इसे। देखो भाभी, इन लोगों के सामने हाथ मत उठाना, अच्छा नहीं होगा। क्या हालत बना रखी है, ऐसे कपड़े पहनकर तू टीवी पे इंटरव्यू देने जाएगा क्या? अच्छा, जहाँ जाके कपड़े बदल। ये बात है, मेरी बेबी मुझे नए गेटअप में देखना चाहती है। 5 मिनट में आता हूँ। ए हीरो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, तब तक तुम लोग कवर करो। चलना, तुम जल्दी से आओ। उसके यहाँ आने तक हम लोग हरिश्चंद्र नाटक का एक भाग करेंगे जिसमें द्रौपदी का वस्त्र हरण दिखाएंगे। भाइयों ध्यान से देखे। अरे वो हरिश्चंद्र का नहीं, महाभारत का है। तो पहले बताना था ना। रमैया वस्तवैया, कौन आ रहे जिसने दरवाजा बंद किया? कौन है? दरवाजा खोलो। मैंने किया। ये क्या बेबी, ये क्या कर रही हो बेबी? वहाँ टीवी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर कहीं तुम टीवी पर दिख गए तो सब लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर होगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रहने दो ये सब। ये क्या, टीवी पे गांव के सब लोग दिखेंगे, मैं नहीं दिखूंगा, ये मेरा अपमान है। दरवाजा खोलो। मुंह बंद कर। आज मैं इतनी ऊंचाई पर सिर्फ एक आदमी की वजह से हूँ जो आज भी गांव में रहता है। आप सब लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे देखा क्या, मैं भी टीवी में आया। देखा, बढ़िया है। चुप बैठो, देखने तो दो। मेरे अलावा सब लोग हैं यहाँ पे। हाँ हाँ समझ गई, आकाश में तारों के बीच चांद जैसा है तू, लेकिन उसे भी इसने ग्रहण लगा दिया इस बुढ़िया ने। तू जानती नहीं, मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। नजर लग जाती, तुम तो मुझसे बात मत करो। अरे बेटा वैसा नहीं है तू। कहा ना मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ए सत्यवती, तुमने मेरी बेबी को देखा क्या?
उस बुढ़िया को आ? मेरे घर गई है, वहाँ जाओ। वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? मुझे भूख लगी है, उसे घर आने के लिए कहना। ए रुको रुको, तुम ही जाकर कहना, मैं कहूँगी तो वो नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है चल, आज मैं देख ही लेता हूँ उस बुढ़िया को। कहाँ है बेबी? बेबी, अरे कहाँ गई मेरी बेबी? अरे जाओ बाबा, अंदर होगी। अंदर है बेबी? ए बेबी कहाँ है? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? रेप कर रही हूँ। रेप? सत्यवती, ये सब गलत कर रही हो तुम। तुम जल्दबाजी कर रही हो, अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा नहीं और कुछ नहीं, आज कुछ न कुछ तो हो ही जाने दो। नीचे जा, नीचे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये क्या कर रही हो? लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गई? तो क्या सिर्फ लड़के ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं तुम्हारा रेप करूंगी और शादी के पहले तुम्हें बाप बना दूंगी। जय जलपति राव। जलपति राव? ये जलपति राव कौन है? जो सिनेमा में हमेशा रेप करता है। चलो। अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे क्या हो गया? अरे जान बचाओ मेरी। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हनुमान, हनुमान डर गया। आज तो बच गया, मेरी इज्जत बच गई। अरे जल्दी जल्दी चलो। अरे सुब्बी पत्ता तो फेंक, ये ले। अरे मेरी बेबी। अरे उसे तुम लोगों ने कहीं देखा? क्यों डरा? अगर तुम्हारी बेबी दिखी होती तो हम लोग यहाँ पत्ते नहीं खेल रहे होते, यहाँ बैठ के राम राम की माला जप रहे होते। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे जाएगी कहाँ, चली गई होगी भूतों की सभा में भाषण करने। तुम तो चुप ही बैठो। ए मुझे पता है, अपना हनुमंत एक बार रोशनी के बिना रह सकता है, लेकिन दादी के बिना वो नहीं रह सकता। ए एक काम कर, चल ये गेम बंद कर, चल चल चल, हम लोग भी साथ में मिलकर ढूंढते हैं, चल। ऐसा कुछ नहीं रमैया, कल क्या हुआ कि क्या रे हनुमंता, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेबी नहीं दिख रही है चाचा। नहीं मिल रही है, क्या मतलब है तेरा? रात को टीवी के बारे में मैंने उससे कुछ कह दिया तो सुबह से मुझे नहीं दिख रही है। तुम भी क्या आदमी हो, पहले ही वो गुस्से वाली है, ऊपर से तुमने ये सब कह दिया, जाओ ढूंढो उसे, कहीं वो अपनी जान ना दे दे। दरोगा जी, जरा सीताराम जी से कह दीजिएगा कि उन्हीं के गांव से महालक्ष्मी उनसे मिलने के लिए आई है। क्यों चली जाती हो तुम इतनी दूर से? तुम्हें मालूम है ना वो तुमसे नहीं मिलना चाहते? एक बार जाकर उनसे कहो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। वो अकेली आई है या लड़के को लेकर आई है? वो अकेली आई है। अगर वो अकेली आई है तो उसे कह दो मैं उसे जिंदगी भर नहीं मिलूंगा। जाओ, चले जाओ। रुक जाओ, पूरा गांव घूम कर आई हो, मटक मटक कर खुद तो घूमती रहती हो और मुझे मना करती हो। टीवी पर मुझे आने के लिए मना करती हो, किसी से झगड़ा हो जाएगा इसलिए घर में बांध कर रखती हो, कहती हो नजर लग जाएगी, पागल हो जाऊंगा। बेटा सुनो तो मेरी बात। मेरा सिनेमा देखे हो कितने दिन हो गए? सिर्फ पंचायत ऑफिस में टीवी पे गाने और समाचार देखो बस, गांव के बाहर क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए मुझे बाहर भी नहीं जाने देती। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बंधन के कहाँ गई थी? क्या पूछेगा? नई साड़ी पहनकर, चोटी डालकर, इतना खूबसूरती से बन सवार कर, पुरानी हीरोइनों की तरह तुम भी अब हीरोइन बनने की तैयारी कर रही हो क्या बेबी? मैं सुबह से पूरे गांव में पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं क्यों हीरोइन बनूं? मैं तो तुझे मारने के लिए मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मैं क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? अपना मुंह बंद करके बैठो। ए चुपचाप बैठ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। क्यों मारोगी मुझे? तुझे ही नहीं तेरे बाप को भी मारूंगी मैं। ए मेरे बाप के बारे में क्या बोल रही हो? आओ इसे फेंक कर मुझसे बात करो। पहले तुम फेंको, फेंको। नहीं पहले तू फेंक दे। ठीक है हम दोनों फेंकते हैं। पहले हाँ मेरी बात तो सुन ले तू। अच्छा ठीक है बोलो। मैं
पड़ोस के गांव में गई थी। अरे 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 अरे, मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलना तुमने। सुबह राव ने मुझे बता दिया तुम हैदराबाद की बस में बैठी थी। हैदराबाद की बस में बैठी थी तो क्या बाजू के गांव में नहीं जा सकती थी? वही तो, तुम वहां क्यों गई थी? क्या काम था तुम्हारा? शादी के लिए। अरे 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 बुढ़िया, इस उम्र में शादी? अरे पागल हो गया क्या? मैं तेरी शादी की बात करने गई थी। ए रब्बा रे रब्बा, क्यों रे बुढ़ी? मैं जानती थी तू मेरी शादी इससे नहीं होने देगी। यहाँ मेरे सिवा हनुमान से शादी करने की किसकी हिम्मत है क्या? ऐसा कोई नियम है क्या बेटी? देखो, अगर मुझे नियम सिखाओगी तो सबको फेंक दूंगी, समझी बुढ़िया? ए सत्यवती, ज्यादा मत बोल। अरे तुम रुको। क्योरी क्या कर लेगी तू? तेरी शादी हनुमान से नहीं कराने वाली। तो तुम भी सुन लो, चाहे आसमान और जमीन एक हो जाए, चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, तो मेरा नाम भी सत्या नहीं। मैं तो तेरे बेटे से शादी करके ही रहूंगी। तुम लोग बंद करो अपना नाटक और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी जिंदगी का मकसद है कि KM साहब की तरह पहले मैं मिस्टर आंध्रा बनकर अपना फोटो अखबारों में छपवाऊं और मेरा इंटरव्यू पंचायत ऑफिस के टीवी पे आना चाहिए। उसके बाद ही शादी का सोचूंगा। तब तक तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठो और तू अपना पैर बाहर मत निकालना। ए, तुझको भी अच्छी तरह बात समझ में आ गई ना? दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठना, चलता हूँ मैं। हेलो, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ बुश साहब, ऐसे कहाँ जा रहे हैं? आपको नल्ला गोंडा के कार्तिक वीरभद्र जी ने आने के लिए कहा है। रात में आराम से खाना वाना खाकर रिकॉर्ड डांस देखकर सुबह चले जाना। जाते समय नारियल और गन्ना भी दे देंगे, अमेरिका में सब देखकर खुश हो जाएंगे। ये चाचा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें तो ऐसा ही लगता है। रात को अपने गांव में एक हवाई जहाज उतरेगा और जॉर्ज बुश मेरे घर आएंगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे फोन करके बोला कि वो नहीं आएगा। अरे ये क्या, उसने मुझे हाँ कहा और तुम्हें फोन करके ना कह दिया? ये भी कहा उसने कि क्या कहा? तुम्हारे फोन का कार्ड निकाल दिया। मेरे फोन का कार्ड निकाल दिया है? 300 रुपए का कार्ड सिर्फ एक महीना चलता है, 3 महीने नहीं। सुनो ये बात तुम गांव में किसी से मत कहना, कल से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। अब आए हो तो बताओ क्यों आए हो? तुम भी ना क्या हमेशा कसरत करके बॉडी बनाते रहते हो? मेरी बेटी से शादी करनी है कि नहीं? उससे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें लगती है। अरे और नहीं तो क्या, दिन भर उठते बैठते खाते पीते सिर्फ हनुमंत हनुमंत करती रहती है, हमेशा तुम्हारे ही सपने देखते रहती है। और एक तुमों की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ तो फिर? अरे दिन रात तुम्हारे लिए गाने गाते रहती है। एक रात उसकी माँ ने नींद में उसे लात मारी, उड़ के ऐसे गिरी, उसकी कमर में चोट आई और मेरे सिर पर चोट आई, ये देखो। भैंस की तरह लात मारी क्या? तुम भी ना, पड़ोस के गांव से मैंने एक रिश्ता लाया था तो उसने हमें इतना मारा, कहा कि हनुमंत के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी, वो तो मेरा सर फोड़ देती, वो तो अच्छा हुआ कि उसकी माँ आ गई वरना मेरी हालत खराब है। और तुम्हें हंसी आ रही है? देखो मेरे मिस्टर आंध्रा होने तक मेरी शादी के लिए बिल्कुल भूल जाओ। सुनो, तुम मिस्टर बनो या मिनिस्टर बनो ये सब मैं नहीं जानता। अगले महीने का अच्छा मुहूर्त देखकर मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर देता हूँ, बस मेरी तो झंझट खत्म होगी। अरे भाई क्यों फोन किया? हाँ बताओ कितने की है मच्छी? रात को बुश आने वाला है खाने पे, क्या मैं लेके जाऊँ? तुझे ज्यादा चर्बी आई है क्या? अगला महीना याद रखना। अरे पहले अपने मोबाइल का कार्ड तो भरवा ले। कौन है रे? कितने दिनों के बाद मिल रहे हो तुम ऐसे? ए कैसे रे? हाँ, तुम्हारा सीना तो पूरा 40 है। अरे छोड़, मुझे अजब से लग रहा है। अच्छा अजीब लग रहा नहीं, है नहीं। क्या बॉडी है तुम्हारी बाबा? अरे छोड़ दे, मुझे करंट लग रहा है। तुम्हें ऐसा देखा तो मैं क्या छोड़ूंगी तुम्हें? तुम्हारे होठों पे होठ रख कर मैं आहिस्ता से एक किस ले लेती हूँ, देखो तुम्हें कैसे लगता है। सुधाकर, ए सुधाकर, तुम ये सर पर घास रखकर क्यों जा रहे हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? तुम्हें शहर नहीं जाना क्या? किस लिए भैया? मुझे लगता है कि इतनी पढ़ाई करके ही तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना तुम्हें? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी भैया? क्यों, इसमें तो बहुत खर्चा होगा ना भैया? कहा था ना, मेरिट में आए हो तो गवर्नमेंट से तुम्हें पढ़ाई के लिए खर्चा मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ रहने का पहनने का खाने का खर्चा भैया कम से कम 2 लाख रुपए तक आएगा, और अब तक आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, मैं और एहसान नहीं लेना चाहता, मुझे माफ कर दो भैया। बहुत काम कर लिया, चल। क्या मिनिस्ट्री से लेना है ना? हाँ हाँ ले लूंगा।
क्यों मेरी परमिशन के बिना ही तुम लोगों ने मीटिंग बुला ली? मरने के बाद भी चुप नहीं बैठेगा? मुझे लग ही रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, सब लोग यहाँ पर आ गए हैं ना, मेरी तरफ से भी जोड़ दो। आए, ये भी आ गई क्या? आए, ये सोना। क्यों दामाद जी, हम सब लोगों को यहाँ पर क्यों जमा किया है बताइए ना। चाचा, हमारे गांव का मंदिर खराब हो गया था तो हम सब लोगों ने मिलकर उसकी मरम्मत की। स्कूल चाहिए था तो सरकार से झगड़ा करके स्कूल बांधा। अब हम लोगों को हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल होगा तो उसके अंदर हम लोगों को डॉक्टर भी लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारा सुधाकर शहर जाके डॉक्टरी पढ़ के आए। बनाना चाहते हो तो बनाओ ना। होना है वो तो ठीक है, अच्छे मार्क्स लाया इसलिए तो गवर्नमेंट ने उसे सीट दी और पढ़ाई का खर्चा दिया है, पर वहाँ रहने का खर्चा और खाने का खर्चा करीब करीब 2 लाख हो जाता है, इसलिए ये कह रहा है कि ये पढ़ाई छोड़ देगा। लेकिन इतना पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से? हम सब लोग हर काम में साथ में रहते हैं तो सुधाकर की पढ़ाई के मामले में भी हम लोग साथ में ही रहेंगे और इसे डॉक्टर बना कर रहेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग पैसे जमा करो, मैं जरा अपनी भैंस को घास खिला कर आता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन, आगे बढ़कर अच्छा काम करना चाहिए। और तुम कहाँ जा रहे हो अपनी भैंसों को घास चराने? चल इधर आ। आ रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब टीवी वाले गांव में इंटरव्यू लेने आए थे तब तूने उनसे क्या कहा? बोला था मैंने यही ना कि ये हमारा अपना है, हमारे भाई जैसा है। बोला ना, फिर दे अब। ठीक है, आदमी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करनी चाहिए। रोज शाम को बेशर्मों की तरह सुबह अम्मा के पास जाकर उसकी मदद करता है ना? ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। बोला, अरे तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं गांव का प्रेसिडेंट हूँ इसलिए मेरी तरफ से 2000। मामा, सुधाकर की पढ़ाई के लिए है ना 5000। ठीक है, मैं अपने गांव में सबसे अमीर हूँ इसलिए मेरी तरफ से 5000। सुधाकर की पढ़ाई के लिए मेरी तरफ से 100 रुपया। सुबह माँ को भगवान ही देगा। 200 रुपया। रुको, सब लोग मिलकर पेपर में लिखकर काउंट करेंगे। शिवा, ये हम सुधाकर की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, समझे? हम इसे नहीं गिरेंगे, ये सब भगवान देख रहा है। हाँ सुधाकर, इस गांव के लोग तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं अपना भरोसा दे रहे हैं, उसे तुम टूटने मत देना। हनुमंता भैया, सुधाकर ये पैसा रख लो, मेरी माँ इलाज के बिना मर गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गाँव में एक हॉस्पिटल बनाओ, ये मेरी तरफ से। ए नारायण, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। जरूर होगा, होगा जरूर होगा। सत्यनारायण जिंदाबाद, बोलो रे सब। सत्यनारायण जिंदाबाद। ए सुनो, तुम मिस्टर इंडिया के रेस में जा रहे हो, शहर की लड़कियाँ कुछ कुछ दिखाकर तुम्हारी नीयत खराब कर देंगी, तुम जरा बच के रहना। तुम भी तो मुझे कितने दिनों से क्या क्या दिखा रही हो, मुझे कुछ हुआ? मैं हनुमंता हूँ, हनुमंता। हाँ तुम हनुमंत हो, ये सारा गाँव जानता है। सुनो क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम रुको, केएमजी की फोटो होनी चाहिए थी, कहाँ गई? केएमजी, ये कौन है? केएमजी कौन है? किंग मेकर है। अरे तू क्या जानती है, सब लोगों के लिए एक ज्योति है, आंध्र रत्न है, एक हीरा है, वो बात करती है। बैग में ही जिप नहीं होती, पैंट में भी होती है। तुम्हारी आंखें हमेशा यही होती है, मुंह की तरफ देख के बात नहीं कर सकती। देखो बेबी, आ रही हूँ बेटा। लाओ, इसमें क्या है? चिकन है, रास्ते में खा लेना। ठीक है, थोड़ा दूध है वो भी पी लो। गठिया बनाया है, तुम्हें दे दूँ क्या? तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा गोबर दे दो, उसके उपले बनाकर पड़ोस के गांव में बेच कर आता हूँ मैं। मैं मिस्टर आंध्रा कंपटीशन पे जा रहा हूँ, पड़ोस के गांव में कोई खेती करने नहीं जा रहा। ठीक है ठीक है, ये बादाम वाला दूध पी लो, बॉडी में ताकत आ जाएगी। मेरी बस जरूर निकल जाएगी, बादाम वाला दूध है। सुनो बेबी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा नाती नहीं बनूंगा। क्या बोल रहा है तू? तुम्हारा पति बनूंगा। फिर मेरा क्या होगा? मेरी सौत बन जाना। ए बेबी, ये बादाम का दूध है या क्या है? ऐसा क्या, तो फिर ऐसा करो, तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए, क्या किया हमने इसे? जो करना चाहिए था मुझे। ए सुन, वो उठेगा ना तो पीटेगा तुझे डंडे से। मुझे कंपटीशन में नहीं जाने दिया, दूध में नशे की दवा मिला दी, मुझे सुला दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेबी, बेबी आ गई, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, कहाँ गई बेबी? ए, इधर आ बेबी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेबी, बेबी
मैं छोड़ूंगा नहीं, बेबी। पानी भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है, अब तो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आ, अरे बेबी, छोड़ूंगा नहीं। ए, जरा देख तो, देख उधर, पूरा गांव मुझे बचाने के लिए आ रहा है, तेरे ना टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी मैं। बहुत हिम्मत है। चला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेबी। ये गांव वाले फिर क्या है बेबी? मारो 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 मारो। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हनुमंता देखो, ये तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी आंखों में देख कर बोल, क्या हुआ बता बता। भैया बता। भैया वो चिन्ना बाबू मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। डरो मत मेरी जान, तुम्हारे लिए कृष्ण आएगा, तुम्हें साड़ी देगा। उसका कृष्ण आ रहा है, आ रहा है। ए, उसको पकड़ के ला इधर, जा भाई। इसका शर्ट हिम्मत की पहन, हिम्मत की तलवार, हिम्मत की कसूरी, हिम्मत। डरो मत, तुम चलो चिन्ना कृष्ण मूर्ति के पास, चल चल। लक 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 लक। क्यों बे, डर गया क्या? ये तो एकदम ही क्लास है। इसका गेटअप चेंज करेंगे ना तो ये अच्छा दिखेगा। अरे बाल को देख कर निकाल निकाल पैंट निकाल 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 निकाल। अबे पैंट भी निकाल। अब तेरा गेटअप मस्त लग रहा है, एकदम मस्त। क्या तेरे को ये टॉप घुमाना आता है क्या? आता है। इसको ऐसे घुमाकर ऐसे खींच कर छोड़ना आता है? आता है। ठीक है तो घुमा के दिखा, लेकिन एक कंडीशन है, तुझे लड़की को छुए बिना टॉप घुमाना है और कॉइन गिरना नहीं चाहिए। अगर कॉइन गिर गया तो लड़की का दुपट्टा हम निकालेंगे, बाकी सब कपड़े तुझे निकालने होंगे, समझ गया? मैंने कहा ना घुमा। ए, चल घुमा। वेरी गुड, मैंने कहा था ना कृष्ण आएगा बचाने। ए, चल ओढ़ नहीं रहे इसको। मैं जा रहा हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। हमने जाने को कहा, हम क्या तुझे एड़े लग रहे हैं? चल कपड़ा निकाल। लेकिन क्यों भैया? तुझे लिटाकर तेरे ऊपर अब हम खेलेंगे। चल निकाल निकाल निकाल, चल निकाल निकाल भाई। नहीं नहीं निकाल। ए, 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 मार रहा, पकड़ो पकड़ो। ए, आत्महत्या करने के लिए ये जान अब तुम्हारी नहीं है, इन गांव वालों की है। इन गांव वालों ने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, उस लंगड़े सत्यनारायण ने भी तुम्हें मदद करके आस लगाई है, क्या जवाब दोगे उसको? बोलो। नहीं भैया, तुम्हें उसके और उसके खानदान के बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम चुप बैठो। अगर उसे कुछ हुआ तो सिर्फ उसकी फैमिली आएगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली आएगी, पूरा गांव आएगा, ये हनुमंता आएगा। मेरे साथ कोई नहीं आ रहा। लगा लगा, खेलने के लिए किस्मत होनी चाहिए। मैं चिन्ना राजा कृष्ण मूर्ति का पोता, मुझसे खेलने के लिए सबको चांस मिलना चाहिए। उठा के लाओ उसको भाई, वो तो प्रोफेसर है। ए, अपने प्रोफेसर को सिखाने का मजा अलग होता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाओ। गुड मॉर्निंग मैडम, एक छोटा सा गेम है, आपको कैरम खेलना आता है? हाँ तो ठीक है, तो हम लोग गेम खेलेंगे। इस पॉकेट में कॉइन डाल दिया ऐसे, तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और अगर तुमने डाल दिया तो तुम मुझे किस करोगी? शट अप, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। ये तो गेम है, इसका एक ही रूल है, जीता या हारा। ठीक है ठीक है, चलो इधर आओ, पहले तुम स्टार्ट करो। वे, चल बैठ। बैठो। लका 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 लका। मैडम आप क्लास में जाओ, पढ़ाई क्या होती है मैं इसको पढ़ाता हूँ। ए,
तू कहाँ से आया बे? अगर मैंने एड्रेस बताया तो तू खत लिखेगा, मनी ऑर्डर करेगा। देख तू पढ़ या मत पढ़, इस बात से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स को तू परेशान कर रहा है और तू उनको यहाँ से भगा रहा है, इसका कारण तू है। अब तू उन लोगों को तंग करना छोड़ दे, नहीं तो दे, अगर मैंने किया तो अभी समझ ले वरना। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अनपढ़ लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इस कॉलेज में भेजते हैं। इतने कष्ट करके लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं और तुम इन पढ़ने वाले बच्चों को तंग करके यहाँ से भागने पर मजबूर करते हो। आज तो मैं सिर्फ तुम्हें मार कर छोड़ रहा हूँ इस शिक्षा के मंदिर में, लेकिन आज के बाद इस कॉलेज के आसपास नजर आया तो मर्डर करना तो हमारा काम है और सबूत ढूंढना तुम्हारा काम है। इसलिए आते हो तुम लोग हमारे हाथों से मरने के लिए? सर ये मर जाएगा सर। अच्छा, मारने के लिए तो हम लाए हैं, मरेगा नहीं तो काउट के नाचेगा। अरे डॉक्टर जरा देख तो सही, वो मर गया है क्या? अगर उसे डिस्टर्ब किया और वो उठ के बैठ गया तो समझ लो तुम्हारी लाश उसके बाजू में होगी। सर ये मर गया सर। पक्का? श्योर सर। डाल दो इसको गटर में। नमस्कार सीएम जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर आपको इतना बड़ा सम्मान मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या कह रहे हैं, आज तक मैंने जो जनता की सेवा की है उसी की वजह से ये नाम और ये शोहरत मुझे मिली है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ईश्वर की देन है। अब मेरी कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग है, चलता हूं। ठीक है। अरे केएम साहब आशीर्वाद दीजिए। साहब विटनेस का हमने पोस्ट कर दिया है और जुबली हिल्स के गटर में डाल दिया है, कल तक वो आपको हुसैन सागर में तैरता हुआ दिखेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आपको जो सम्मान मिला है
उसका मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो हम सबको भी है, भारत रत्न मिलना कोई मामूली बात होती है क्या? हाँ, भारत रत्न से मुझे सम्मानित किया है, ये उसे पता नहीं है। हेलो ऑफिसर, सीताराम जेल से भाग गया, कैम को घर से निकलने मत देना। ओके सर। सर सीताराम जेल से भाग गया सर, आपका घर से निकलना ठीक नहीं होगा। घर में बैठने के लिए किससे बोल रहे हो तुम? हाँ, बिल्ली पिंजरे में से भाग गई और शेर को घर में बैठने को बोल रहे हो? ये वक्त आने पर पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, यू रास्कल। अन्ना पिताजी, हम लोग जाएंगे, हमें जाना ही चाहिए, आप चाहे जो करें मुझे पता नहीं। हम लोग जब तक वहाँ हार डालेंगे, तुम उसे पकड़ लेना। अन्ना मेरी जान से ज्यादा उसकी जान है। उधर टर्न करो। हेलो हेलो, रोड नंबर 45 ट्रैफिक रिस्पॉन्डिंग, इस रोड को ब्लॉक कर दो। सब ब्लॉक कर दिया सर, एवरीथिंग इज ओके। क्या हुआ सर, यहाँ ट्रैफिक पूरा रोक दिया है। केएमजी गांधी जी के पुतले को हार डाल देंगे, उसका ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। केएमजी आ रहे हैं क्या? गरीबों के अन्नदाता आशा की ज्योति आंध्र रत्न आ रहे हैं, मैं जानता हूं उनको। स्वामी आई स्वामी आई स्वामी आई केएमजी आ रहे हैं क्या अय्यप्पा? हनुमंत है ना वो? ए हनुमंत, केएम जी जिंदाबाद, केएम जी जिंदाबाद, केएम जी जिंदाबाद। केएम जी नमस्ते, नमस्ते, केएम जी जिंदाबाद, 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 केएम जी जिंदाबाद। माला डालकर गांधी चौक से निकलने की तैयारी में है। सीताराम यही कहीं सिटी में है, वो कुछ हरकत करने से पहले शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। कोई आगे मत आना। रुक जाओ, ज्यादा होशियारी मत करना। ऑफिसर, अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। जाओ हनुमंता, गाड़ी स्टार्ट कर। हनुमंता चलो, तुम जल्दबाजी मत करो। ए, कोई भी मेरे पीछे मत आना वरना इसको गोली मार दूंगा। चलते रहो, चलाओ। चलाओ, लेफ्ट से ले दो। हाँ
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे बारे में मैं कैसे जानता हूँ ये सोचकर आश्चर्य मत करो। आज तक तुम्हें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं, इस बात का मुझे अफसोस है। तेरी दादी का नाम महालक्ष्मी है और तेरे दादा का नाम हनुमंत राय। ये बात कोई नहीं जानता। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है हनुमंता, एक महान आदमी का चरित्र है ये हनुमंत राय। उसके सामने खड़े होकर बात करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसके अच्छाई के बारे में ही बातें होती है, उसके बारे में कोई बुरा नहीं कहता। पंजा उसका शेर जैसा, दुश्मनी उसकी क्रांतिवीर जैसी। उसके चाहने वाले उसे हमेशा भगवान जैसा समझते थे और उसका तिरस्कार करने वाले लोग उसका नाम सुनते ही कतराने लग जाते थे। जब हमारे देश पर अंग्रेज राज करते थे उस वक्त की बात है। नरसिंहपुरम में हनुमंत राय नाम का आदमी था। नरसिंहपुरम और आजूबाजू के सारे गांव पर उसकी अच्छी खासी हुकूमत थी। लोग तो एक दो बच्चे गोद लेते हैं, लेकिन उसने तो जैसे सारे गांवों को गोद लिया था। गांव के सभी कार्यक्रमों में उसका सहभाग होता था। चुप हो जाओ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? खेल में तो हमेशा हार जीत होती ही रहती है। ए कृष्णमूर्ति, जिंदगी में अपने मन में कभी ये ख्याल मत लाना कि तुम हार रहे हो। मन में निश्चित करके वक्त का सामना करो तो ये बात याद रखना, जीत हमेशा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। उठो उठो। अरे साहब जी, वो गोरे लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हमारे घर की माँ बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं। अगर पता लगता है हनुमंत राय आ रहा है तो जंगल का शेर भी उसे मिलने आता है, फिर अंग्रेज क्या है? जाओ। मिस्टर हनुमंत राया, इतना छोटा सा बात के लिए इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? छोटी सी बात लगती है? अरे उन लोगों ने थोड़ा मतलब एंजॉय किया तो क्या हुआ? बकवास बंद करो। एंजॉय करने के लिए क्या वो लोग खिलौना है? उन लोगों को उनकी इज्जत उनकी जान से ज्यादा प्यारी है। कूल डाउन हनुमंत राया, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। इज्जत के बदले जान ले लूंगा।
मिस्टर हनुमंत राय, इस कैंप में पूरा 500 सैनिक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? तुम सिर्फ परेड लगाओ, वो औरतें उन्हें खुद पहचान लेंगी। अगर उन औरतों ने जिन्हें पहचाना तो क्या हमें उन्हें सजा दे देनी चाहिए? मैं देनी होगी जनरल। जिन अंग्रेजों ने हमारे गांव के औरतों पर रेप किया था, उन 20 अंग्रेजों को एक वैन में बिठाकर इस कैंप से दूसरे कैंप में ले जा रहे थे। इस बात का जब हनुमंत राय को पता चला था, सबका हनुमंतु, भारत का रक्षक हनुमंतु, हिंसा रूप में तू ईश्वर है, आया है बन के तू तो मसीहा, पहुंचता है सब के तू आंसू, तुझको है दिल से नमन हमारा। जागी तू तो सुबह है होती, तेरा नूर सूरज की ज्योति, तू हंसी तो हंसती है धरती, कब से आई है शेर दिल का मालिक हनुमंतु, नेक दिल का स्वामी हनुमंतु, रखवाला सबका हनुमंतु, भारत का रक्षक हनुमंतु।
सूरज की ज्योति, तू हंसे तो हंसती है धरती, सबसे आली है तेरी हस्ती, कांटों पर चलने में तेरे संग है फूलों का मजा, तेरे एक इशारे पे कोई भी देगा जान का, तू सपूत है मददगार सबका हनुमंतु, पोषिता है सबके तू आंसू, तुझको है दिल से नमन हमारा, शेर दिल का मालिक हनुमंतु, नेक दिल का स्वामी हनुमंतु, रखवाला सबका हनुमंतु, भारत का रक्षक हनुमंतु। जो दिया इतना प्यार दिया इतना, कैसे चुकाऊं ऋण मैं सबका, जिस धरती का बेटा हूँ मैं, कैसे उतारूं मैं ऋण उसका, सौ सौ जन्म भी जो इसे देता तो वो भी कुछ कम होता, भारत माता जब भी जन्म लू तेरे लिए लू, हर जीवन तुझ पे ही मारू, तुझ पे अर्पण जन्म है सारा, दिल का मालिक हनुमंतु, नेक दिल का स्वामी हनुमंतु, रखवाला सबका हनुमंतु, भारत का रक्षक हनुमंतु। देवास्ताम् विश्वरूपा पशवा वधन्ते सानो मन्त्रे समार्जन्दुहानाम् देनुर्वाकस्मानुपतिष्ठतयत। जजमान, नामकरण विधि शुरू करने से पहले लड़के के मामा को बुलाइए। पंडित जी, इसका कोई मामा नहीं है। शास्त्री जी, मेरे सारे दोस्त इसके मामा ही हैं। लक्ष्मी नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी जात का नहीं हूँ बहन। क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती सीताराम भैया? बहना कर्नल की बदली हुई है और नया कर्नल आया है जर्नल की पोस्ट पे। What is his power? पता नहीं, पर वो कभी मौत से भी नहीं डरता है, शायद यही उसकी ताकत है। मुझे उसे जल्द देखना है। ओके सर। I will not come, लेकिन उसका तारीफ हमको लाया। सॉरी जनरल, ये तुम्हारी गलती है।
हनुमंत राय कोई आदमी नहीं है, he is lying. तो तुम हनुमंत हो? ए जर्नल, मैं ही हनुमंत राय हूँ. अगर मेरा नाम पता चल गया तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है. मेरे पैरों के हाथ से शेर भी डरते हैं. तो तू क्या चीज है ये हनुमंत राय के सामने जर्नल? ओके ओके हनुमंत राय, हमने तुमको तकलीफ दिया लेकिन हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है. बोलो तुमको हमारे से क्या मांगता है? दूध मांगोगे तो देगा खीर, गद्दारी करोगे तो चीर देगा ये क्रांति भी. हमें क्या हीरे दोगे, वो तो हम लोग सड़कों पे चावल के भाव में बेचते हैं. पुखराज दोगे, वो हमारे घर में कचरे की तरह पड़े रहते हैं. माणिक दोगे हमें, वो तो हम अपने बच्चों को गोटियां खेलने के लिए दिया करते हैं. तुम लोग हम लोगों को क्या दे सकते हो? हमारा देश तो वैसे ही सोने की चिड़िया कहलाता है. उसके बाद भी तुम लोग हम हिंदुस्तानियों को खरीदने का सपना देख रहे हो. जनरल, इस देश ने देना सीखा है, लेना कभी नहीं सीखा. मिस्टर हनुमंत राय, तुम हमारा उपकार को भूल चुका है. हम तुमको नियम सिखाएगा नागरिकता का. किसे नियम सिखाओगे? हम तो ये सब दादा परदादा के जमाने से जानते हैं. जनरल, पत्थर से पत्थर घिसकर आग हमने बनाई. अच्छे से अच्छे शिल्पकार हम हैं. अच्छे से अच्छे वस्तु हमने बनाई. वीणा कला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, सब में हम ही अव्वल है और अव्वल रहे. उसके बाद तुम हम लोगों को सिखाने की बात करते हो. हम हिंदुस्तानियों से आगे आज तक कोई नहीं हो पाया और ना हो पाएगा, ये समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा. हम हिंदुस्तानियों ने अपनी तकदीर इस देश की तकदीर के साथ जोड़ दी है. वक्त आने पर हमारे देश के लिए हम हंसते हुए अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं. हम तुमसे इधर मिलने के लिए आया तो तुम इसका मतलब गलत क्यों लेता है? मैं बिक जाऊंगा ये सोचना ही तुम्हारी सबसे पहली गलती है. और यहाँ आकर ये बात मुझे बताना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है. और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपनी बीवी बच्चों की किस्मत से जिंदा हो. जनरल, निकलो यहाँ से, नहीं तो ये किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देगी. चलो चलो चलो. तुम लोगों ने हनुमंत के बारे में गलत जानकारी दी. बस सिर्फ एक ही आदमी काफी है इस दुनिया को जीतने के लिए. यहाँ पर क्या हुआ? जितना हुआ उतना कम था क्या? वो एक और गोरे को जन्म दे रही है. तुम डरो मत, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ. धीरज रखो, प्लीज सब ठीक हो जाएगा. थोड़ा और जोर लगाओ. साहब, आप ही नरसिम्हा, अगर हम किसी गाय को भूखा देखते हैं तो उसकी भूख मिटाने के लिए उसे खाना डालते हैं ना? फिर ये तो एक गर्भवती औरत है, इसे देखकर हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते? क्या ये सही होता?
सुनिए जी, लड़का हुआ है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। अच्छा चलते हैं। सॉरी सर, हम लोगों को आपने बचाया है और मेरी बीबी को एक नया जीवन दिया है आपने। लाइफ में मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है कि मैं इंडियन क्यों नहीं हूँ। अब हम लोग चलते हैं। हनुमंत राय, अब हमें इजाजत दीजिए। एक मिनट रुको। ये हमारे यहाँ की रीत है और आप लोग हमारे आदमियों को ढूंढते रहते हैं। ये सदा स्वागत रहने के लिए हम लोगों की तरफ से आपको आशीर्वाद है। ए नन्हे मुन्ने, तुम तो अपने देश में जाओगे ना? तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा ही एक आदमी हमारे साथ मिला हुआ है और वो अस्तीन का सांप है, उससे बचकर रहिए। प्लीज बी केयरफुल सर। अरे तुम इतनी क्यों डर रही हो? तुम इसके बारे में मत सोचो ना। नहीं, उसने जो भी बताया उसमें कुछ सच तो हो गई ना? वो हम लोगों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। कृष्णमूर्ति, पागल जैसी बात मत करो, चिंगारी से ही आग लगती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, चिंगारी के बिना आग नहीं लग सकती। मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी बहन से ही मिलने आया हूँ। लेकिन हमें अपनी तरफ से तो सावधानी बरतनी चाहिए ना? तुम खामखा डर रही हो, मेरे साथ लड़ने की किसमें हिम्मत है माँ लक्ष्मी? मैं मानती हूँ कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से तो होशियार रहना चाहिए ना? ऐसा सोचकर हम अपने ही लोगों को कैसे शक की नजर से देख सकते हैं, तुम ही मुझे बता दो माँ लक्ष्मी। तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन अगर मेरी जान को ऐसा कुछ हो जाएगा तो मुझे परवाह नहीं। लेकिन मैंने जिसे जान से ज्यादा प्यार किया है, उस पर अगर मैं शक करूंगा तो ये बात जिंदगी भर मुझे खाती रहेगी। Come on, move, move. Make it fast. Chalo, jaldi karo. General, ये सब क्या कर रहे हो तुम? ब्रिटिश खाद्य से एक एक आदमी को 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इसलिए और क्यों? तुम्हारे नाम पर 1001 करोड़ ऐसा सुना, इसलिए ये सब। मेरे नाम पर 1001 एकड़ जमीन है, ये तुम्हें किसने बताया? कृष्णमूर्ति, ये तुमने क्यों किया? अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें यूं ही दे देता। तुम कौन होते हो मुझे देने वाले? मैं कोई भिखारी नहीं हूं, समझे तुम? शाबाश कृष्णमूर्ति, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे अच्छा सिला दिया।
रे तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए तुम हार गए हो? ये जमीन मेरे नाम पर नहीं, इस मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए तूने इन अंग्रेजों का साथ दिया, इस छोटे से औहदे के लिए तूने हिंदुस्तान के सब भाई लोगों के साथ गद्दारी की, तुम्हें क्या लगा ये जमीन का टुकड़ा सिर्फ मेरे नाम पर है, ये सब गांव वालों के नाम पर है। कृष्णमूर्ति तुम्हारे नाम पर भी 5 एकड़ जमीन है। इट्स ऑल ओके, कितनी अच्छी जमीन है, पर अभी तक तुम लोगों ने हमको कोई भी लगान नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? ए, जुबान संभाल कर, किस लगान की बात कर रहा है तू? हमारे ही घर में घुसकर हमसे ही खाना छीनने वाले तुम लोगों को कैसा लगान रहे? अगर हमारी जमीन पर रहकर हमसे ही लगान मांगोगे तो एक बात याद रखना, एक एक को चीर डालूंगा मैं। ओके, वी शैल सी दैट, लेट्स गो। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे हम लोगों का खाता है और हम लोगों को ही फंसाता है, तुम्हारा वजह से हमारा कितना सैनिक मर गया, हमको कितना लॉस हुआ तुमको मालूम? मुझे और एक मौका दीजिए। कृष्णमूर्ति ने गोरों से हाथ मिलाया। हनुमंत राय अपने गांव के लोगों की समस्या जानने के लिए जा रहा था उस वक्त। मैं तुम सबको अच्छे से पूछ रहा हूं, हनुमंत कहाँ गया है बताओ मुझे। नहीं बताएंगे, 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 नहीं बताएंगे। तुम्हें यहाँ बांध कर रखा है, ये अगर उसे पता चल गया ना तो वो आग पर भी चलकर यहाँ तक आ जाएगा। हनुमंत को बुलाओ, हनुमंत को पुकारो, पुकारो जल्दी, पुकारो। उठ, उठ। तुम्हें क्या अपने बेटे से भी ज्यादा है वो हनुमंत? हाँ, उससे भी ज्यादा, उसने हम लोगों के लिए जन्म लिया है, हम सब गांव वालों के लिए भगवान से भी बढ़कर है वो, कोई भी माँ अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकती है। तुम्हारे बच्चों को भगवान कैसे बचाता है वो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बच्चों को पटाखे से बांध दो। हाँ, बुलाओ, हनुमंत बुलाओ उसे, पटाखे को आग लगा दो। जनरल तुम्हें मैं चाहिए ना?
गांव वालों को छोड़ दो। मिस्टर हनुमंत राय, ये बात तुम अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारा वजह से हमको कितना नुकसान हुआ है। अब मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ बोलो? ये स्वतंत्रता की लड़ाई है भारतवासियों की जर्नल। हमारे देश में घुस आए तुम जैसे चोर लोग, हमारा देश चुपचाप छोड़ दो। हम लोगों ने तुम्हारा स्वागत इसलिए नहीं किया था कि तुम लोग हमारे ही देश में घुसकर हम लोगों पर कब्जा करके हम पर राज करो। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इज्जत से हमारा देश छोड़कर चले जाओ। ओके ओके, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। हम एक गेम खेलेंगे, उसमें तुमको जीतना होगा। बोलो। एक खेल तुम्हारा आदमी बताएगा, कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति बताओ इसको। कुछ नहीं, तुम्हें इस गांव से और गांव वालों से बहुत प्यार है और तुम इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, ये मैंने सबसे कहा था। मैं आपका बेटा हूं ना, मैं ये सच करके दिखाऊंगा। क्या कहना चाहते हो बोलो। ज्यादा कुछ नहीं, रास्ते के दोनों तरफ गांव वाले लाइन में खड़े हो जाएंगे, तुम्हें बीच से भागते हुए जाना है। बस जाते वक्त इतना ही एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को छूना है। जितनों को छूओगे उतनों को बचा पाओगे, इतना आसान है ये गेम। लेकिन उस वक्त तुम्हारा अपना ये सर तुम्हारे धड़ पर नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। ए कृष्णा, सीताराम, उसे छूकर अपना हाथ खराब मत करो। हनुमंत राय, दिस इज अ डेथ गेम, आर यू रेडी? होने से पहले तुम सब लोगों को यहां से छुटकारा मिलना ही चाहिए। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में बचाऊंगा। मेरे इन दोनों हाथों पर तुम लोग हर हालत में भरोसा रखो, क्या इनके जैसे कितने भी मेरी राह में आ जाएं। हनुमंता बचाओ, हम लोगों को अनाथ करके बचाओ। रुक जाओ हनुमंता, रुक जाओ। ए सीताराम, मैं सांस ले रहा हूं अपने इन गांव वालों के लिए। जाते वक्त भी मैं इन लोगों को जरूर बचाऊंगा। चाहे हनुमंता की गर्दन कट जाए, मैं भागूंगा जरूर, मैं भागूंगा। महालक्ष्मी, तुमसे पूछे बिना मैंने ये फैसला कर लिया, इस बात का क्या तुम्हें दुख है? नहीं जी, आपने तो मुझे बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया है, लेकिन मैं आपको मरते हुए नहीं दे सकती, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है जी, इसलिए मैं आप। महालक्ष्मी, या अगर मरना है तो हमेशा लड़ते हुए, या हमेशा लड़ते रहना है। हनुमंता, अगर मरना ही है तो हम लोग सब साथ में मरेंगे, लेकिन बचाओ। सीताराम, गांव के लिए एक मरेगा तो ठीक है, पर एक के लिए पूरा गांव नहीं मरना चाहिए। देखा आपने जनरल, हमारे हनुमंत के लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार भरा हुआ है। कृष्णमूर्ति, मैंने तुम्हारे लिए आज तक इतना कुछ किया भैया, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना द्वेष भरा है मुझे पता नहीं था। वो उसकी गलती नहीं है माँ लक्ष्मी, दरअसल तुम खाने में नमक डालना ही भूल गई थी। मैंने तो बस जीतने की ठान ली थी और इसीलिए मैं जीत रहा हूँ। जनरल, यस, उसमें मेरी एक शर्त है। बोलो। तुम जो खेल खेल रहे हो, मेरा सिर तुम्हारे हाथ से नहीं कटेगा। सीताराम जी, मेरा सिर तेरे हाथों से कटेगा। मुझसे नहीं होगा ये। सीताराम,
मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांगा और तुम उसके लिए मना कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो आप? ए, मेरा सिर उनके हाथ से कट जाएगा तो मैं हार जाऊंगा। तुम्हारे हाथ से कटा तो लगेगा आत्महत्या की है। तुम क्या चाहते हो कि मैं हार जाऊं? ए, तुम सही में अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो मेरा सर काटो। जाओ, जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। महालक्ष्मी, तुम सबसे आखिर में खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हें देखने की इच्छा होगी। महालक्ष्मी, मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है आखिरी बार? एक वीर की बीवी कहलाऊंगी, इतना बड़ा सम्मान दिया है आपने। उठो महालक्ष्मी, तुम हमेशा ही अपनी मांग में ऐसे सिंदूर भर के महालक्ष्मी की तरह ही रहना। इधर आओ मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, मैं एक पिता होने का फर्ज अदा किए बगैर इस दुनिया से जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ है, जिंदगी में उसका हाथ कभी मत छोड़ना। पिताजी, आपकी आँख में आंसू? कुछ नहीं बेटा, मेरी आंखों में ऐसे ही आंसू नहीं है। कृष्ण मूर्ति जैसे गद्दार की वजह से मुझे ये देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसका दुख है। तुम लोग उधर जाओ। मुझे माफ कर दो। हे सीताराम, हिम्मत रखो, इन सब गांव वालों के लिए, इन सब गांव वालों के लिए मेरा सर काटना होगा। ए, तुम्हें ये करना होगा। हे कृष्णमूर्ति, तुझे मारने के लिए एक वीर पैदा होगा और मेरे मौत का बदला वो तुझसे लेगा। जनरल, मैं अपना सिर तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ये तुम्हारा भविष्य बदलेगा। मैं तुम्हारा भविष्य लिखूंगा। तुम लोग ऊपर से गोरे और अंदर से काले हो, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी सड़ी हुई होगी। एक गद्दार को साथ रखकर तुम मुझे मार रहे हो और इस गांव पर राज कर रहे हो, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं होगी। तुम लोगों की हालत ऐसी होगी जैसे एक बीमार की होती है, जो किसी के सहारे के बिना जिंदगी में चल ही नहीं सकता। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। तुम लोगों को मारने के लिए मैं कहीं ना कहीं जन्म जरूर लूंगा, याद रखना। इन औरतों की बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी, मेरा कटा हुआ सर इस देश के लिए सीख होगा, मेरे देश का झंडा हमेशा फड़फड़ाता रहेगा, मेरा देश हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। मेरा कटा हुआ यह सर मेरे देश के जवानों के लिए एक सीख बन के निकलेगा। एक दिन इस झंडे की जगह पर मेरे देश का झंडा लहराएगा, मेरे देश का झंडा लहराएगा, मेरे देश का वो खूबसूरत झंडा लहराएगा हवा में, वो झंडा जो हमारे सबके दिलों में स्वतंत्रता और साफ हवा की लहरें दौड़ाता है। जिस झंडे के लहराते ही हर हिंदुस्तानी का सर फक से ऊंचा होता है। मैं अपने दिल और आत्मा से कहता हूँ, वंदे मातरम। सारा देश बोलेगा वंदे मातरम। मेरे देश की दिन रात सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
इतनी साहस इतनी हिम्मत इतनी दो माँ हमको शक्ति मर के भी ना कम हो मेरे दिल से मेरी देशभक्ति ये साहस और ये पराक्रम ना हो कभी भारत से कम इतिहास दोहराएगा क्रांति वीर गाथा दम बदम मर के भी गाएंगे हम हाँ वंदे वंदे मातरम हाँ वंदे वंदे मातरम सर जीत गए हम लोग जीत गए नो हनुमान का बॉडी जब तक चलेगा नहीं हमको भरोसा नहीं मैं गद्दार हूं सबको पता चल गया इसलिए मैं सबको मार डालूंगा कृष्णमूर्ति जान बचाने के लिए गांव के सभी लोग शहीद हो गए हम लोगों को मरा देखकर वो लोग चले गए फिर कृष्णमूर्ति ने अंग्रेजों से मिलकर गांव-गांव जाकर तबाही मचा दी किसी तरह हम बचकर निकल गए लेकिन अंग्रेजों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया जब जब महालक्ष्मी मुझे जेल में मिलने आती थी तब इन लोगों ने उसे मिलने नहीं दिया लेकिन भगवान की दया से जब मिलने का मौका आया तब उसी वक्त मैं भाग निकला पुलिस ने हमें घेर लिया है उन्हें तुम पर शक आने से पहले मुझे पकड़वा दो ए, अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की मैं इसे गोली मार दूंगा बेटा 26 जनवरी को उसे भारत रत्न मिलने वाला है उस देशद्रोही को किसी भी हालत में वो मिलना नहीं चाहिए और सबको पता लगना चाहिए कि वो एक देशद्रोही है देश के साथ गद्दारी कर रहा है बेटे ये सब तुम्हें करना है मुझे पकड़वा दो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैंने जो कहा है याद रख चल चल नमस्कार कृष्णमूर्ति साहब अब तक तुम मुझसे मिलने आते थे लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आया कृष्णमूर्ति तुमने गांव वालों के साथ जो गद्दारी की है ये बात आज तक सिर्फ मैं जानता था कृष्णमूर्ति आज के बाद सारी दुनिया जानेगी उसके हाथों में हथकड़ियां डालो कृष्णमूर्ति डर गए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा हनुमंत राय इसका फैसला करेगा रुक जाओ हथकड़ियां निकाल दो और तुम जाओ क्यों सीताराम भैया तुमने समझा मैं तुम्हें मार डालूंगा पर तुम्हारी उम्र की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है समझे हनुमंत राय ने कहा था फिर से जन्म लूंगा तुम्हें याद है ना अन्ना तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हें मालूम है तुम थोड़ी देर शांत रहो सेम उसके जैसा ही है ना इसका भांजा ऐसे होगा मैंने सोचा भी नहीं था बाप के जैसा ये भी अपनी गर्दन कटवाना चाहता है शायद हैं? आधे घंटे में देखो
मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। कृष्णमूर्ति, तुम उसे देखना भी मत। अगर उसे पकड़ना चाहोगे तो पकड़ो, जलकर राख हो जाओगे। अपने स्वार्थ और मतलब के लिए तुमने कितनों को मार डाला है। जैसे भूखा शेर आता है उसी तरह वो भी आ जाएगा। वो कहां से आता है, किधर से आता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम उससे बच के रहना कृष्णमूर्ति। मैं सीताराम से मिला हूं, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? अगर मैंने तुझे सब सच बताया होता तो तू मुझे कभी नहीं मिलता बेटा। तेरे दादाजी के मरने के कुछ दिनों बाद ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। अचानक कुछ दिनों बाद मेरी भी जल बसी और कृष्णमूर्ति ने सभी गांव वालों को डरा धमका कर अपनी तरफ कर लिया था। उसी से डर कर मैं दूसरे गांव में रहने लगी और तेरे बाप की वहीं पर शादी करवाई थी मैंने। वहीं पे तेरा जन्म हुआ और फिर एक दिन कृष्णमूर्ति को मारने के लिए सीताराम के साथ तेरे बाप ने बहुत कोशिश की। तब उसे पता चल गया कि हम लोग जिंदा हैं, तो कृष्णमूर्ति ने हमारे घर को बम के धमाके से उड़वा दिया, बर्बाद कर दिया। उस वक्त मैं तुम्हें मंदिर ले गई, हम दोनों तो बच गए। वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाए पर तुम्हारे माँ बाप को मार डाला उन लोगों ने। उनका दाह संस्कार करने का नसीब भी तुझे नहीं मिला बेटा। मैं तुझे लेकर इस गांव में आ गई। कृष्णमूर्ति को मारने की कोशिश में सीताराम को जेल हो गई, ऐसा पेपर में छपा। तो मुझे पता चला कि सीताराम जिंदा है, मैं उसे मिलने जेल गई। जब तुम्हारे बारे में उसको बताया तो उसने कहा कि उसे तुमसे मिलना है, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि तुम हमारे वंश में अकेले बचे हो। इसलिए मैं सीताराम से नहीं मिलवाना चाहती थी तुम्हें। तुम हमारे वंश के एकमात्र चिराग हो, इसलिए मैंने तुम्हें कृष्णमूर्ति से दूर रखा और इस गांव में लेकर आ गई। इसलिए बाहर भी जाने नहीं देती थी मैं तुम्हें। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। कृष्णमूर्ति से तू मत उलझ बेटा, कृष्णमूर्ति से तू मत उलझ बेटा। मैं अपनी दादी का ख्याल कर। रो मत दादी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इतना दुख अपने अंदर छुपाए हुए मैं बहुत किस्मत वाला हूँ ये सोचकर। नहीं नहीं दादी, मेरे होते हुए अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। सब लोग तो देश के लिए फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे दादाजी ने देश के लिए अपना सर चढ़ा दिया। मेरे माँ बाप ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, पर तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं बेटा, मत जा बेटा। नहीं दादी माँ, मेरे दादाजी ने अपना सर कटाया अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेरे माँ बाप को पता नहीं था कि वो मरने वाले, लेकिन वो मर गए। ठीक है, वो भगवान की मर्जी थी। लेकिन दादी माँ, तुम जो हर पल मर मर के जी रही हो और इस बात का तुमने मुझे आज तक पता नहीं लगने दिया। तुमने मुझे पाला पोसा और यहां तक लेके आई, लेकिन आज तक अपने दुखों का इजहार नहीं होने दिया। तुम खुद अकेले तिल तिल जलती रही और मुझे पता तक नहीं लगने दिया। लेकिन आज मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है दादी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटा, नहीं ऐसा मत कर बेटा। नहीं दादी माँ, ये कृष्णमूर्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा।
बस तुम अपना आशीर्वाद मुझे दो। आज पंचभूत भी मेरे सामने आएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है बेटा। बस सर। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ ड्राइवर गाड़ी रोको। सर क्या हुआ? सर गाड़ी में बम है। कंट्रोल रूम से फोन आया सर, आप गाड़ी से नीचे उतरिए नहीं तो सर फट जाएगा। सर प्लीज सर नीचे उतरिए सर फट जाएगा, भागो। बैठ जाओ। कोई बोलेगा और तुम सच मानोगे? सच नहीं मानेंगे तो उतरना ही पड़ेगा सर, अगर नहीं माना तो ऊपर जाना पड़ेगा। बॉम्ब स्क्वाड भी आ रहा है सर। हाँ। प्लीज सर आप नीचे आइए सर। मेरे गाड़ी में बॉम्ब लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? There is no bomb, sir. Please take off. Hello, कौन है? तेरा बाप तेरी मौत। ए, तू पागल हो गया है क्या? क्या चाहिए तुझे? तेरी जान। तेरी जान चाहिए इसलिए मैंने फोन किया। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ए, समझ में नहीं आता क्या? अगर लेट हुआ तो लेट कृष्णमूर्ति हो जाएगा। तेरी कार में बॉम्ब है। अपना मुंह बंद कर। अभी बॉम्ब स्क्वाड चेक करके गया है, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। मैं ही बॉम्ब स्क्वाड वाला बन के आया था और बॉम्ब रख कर चला गया। ए शेखर गाड़ी रुको। ए, गाड़ी रुको। अरे चलो। अरे आइए सर आइए। अब तक सिर्फ पेपर में ही बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट टाइम रियल में देखेंगे सर। क्या हुआ? आवाज सुनकर बहरा हो गया क्या तू? तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो? जानते नहीं हो तुम, समझे? तेरी पूरी पुस्तक पढ़ चुका हूँ मैं, उसमें से हर रोज एक पन्ना फाड़ूंगा। जल्दी तुझे जहाँ भेजना है वहाँ भेज दूंगा, बहुत जल्दी। तुम अगर मर्द के बच्चे हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी जल्दी पूरी करूँगा। आता हूँ। केम साहब, नक्सलवादी भी नहीं अपोजिशन पार्टी भी ऐसा काम नहीं कर सकती है। किसमें इतना दम है कि इतनी जरूरत करे सर? कौन हो सकता है? नहीं सर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा दिया है। कुछ भी नहीं, केम साहब के ऊपर आज नहीं आनी चाहिए। जरूरत पड़े तो मिलिट्री बुलाओ। तुम भी यहीं पे डेरा डाल दो, अपने आदमियों को गाँव भेज दो। चुप बैठो। तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो उठो, चलो चलता हूँ साहब। तेरी पूरी पुस्तक पढ़ चुका हूँ मैं, उसमें से हर रोज एक पन्ना फाड़ूंगा। जल्दी तुझे जहाँ भेजना है वहाँ भेज दूंगा, बहुत जल्दी। टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? वो कैसा है बताइए? 24 घंटे के अंदर उसकी डेड बॉडी आपके सामने आकर के ऐसे नाचेगी। हाँ पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी जंगली शेर को देखा है? नहीं। वो एकदम वैसा ही दिखता है। दासू, ए दासू, वो देख, वो यहीं पर है। जाओ पकड़ो उसे। फिकर मत कीजिए, पकड़ लूंगा उसे। दासू तुम्हारे सामने है वो, देखो उसे। मेरा सामने कहाँ है? वहीं पर, जरा चश्मा लगाओ। हाँ ठीक से ही देख रहा हूँ। ये तो नहीं है। अरे कदे यहाँ नहीं, वहाँ। वहाँ है? अरे वो जा रहा है, देखो। जाओ उसकी तो। सुनो भारत रत्न,
तुम एक दोषी हो। मुझे मत मारो। तुमने मुझे बुलाया था ना, लो मैं आ गया। मरने के लिए अभी टाइम है। अरे ये क्या, पसीना आ रहा है। मैंने तुम्हें मारने के बहुत सारे तरीके सोचे हैं। जब तुम खाना खा रहे होगे, उस खाने में जहर हो सकता है। जब तुम नहाने जा रहे होगे, नहाने के पानी में करंट हो सकता है। जब तुम सो रहे होगे, तुम्हारी छाती पे छुरा घुस सकता है। किसी भी तरह मैं 26 जनवरी को सबको ये विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक देशद्रोही हो। सुन, तू भारत रत्न का हकदार नहीं है, भारत द्रोही है तू। अगर तूने भारत रत्न लिया तो याद रख, मैं तुझे जान से मार दूंगा। साहब, भगवान पे भरोसा रखिए, यहाँ कोई नहीं है। उसने यहाँ आकर इस केम को धमकी दी है, इस कृष्ण मूर्ति को धमकी दी है। दासू साहब, वो कहीं भी रहा पूरे हिंदुस्तान में ढूंढूंगा, उसका सिर आपके पैरों में रख दूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये दास का आपसे वादा है। अरे 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 मेरे युवराज सिंह, एक हाथ से कैच पकड़ा, तुम क्या सीधे इंडियन टीम से आए हो? ये पकड़ने के लिए तुम्हें पूछ के आना चाहिए, पालन खेत से आया हूँ। अरे पालन खेत से आए हो? हाँ भाई। किससे मिलना है? भाई से मिलने आया हूँ। भाई से मिलना है, क्या काम है भाई से? भाई 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 भाई, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मिलने दो, सिर दर्द हो रहा है। दिमाग है? हाँ भाई। खोल के देखें क्या? नहीं भाई, हवा चली जाएगी। कौन बोला तुझे? मेरी दादी बोलती है या छोटा दिमाग होता है। भाई से मिलने को भी उसी ने कहा? नहीं, वो तो मैं खुद ही आया हूँ। किस लिए आया है बोल? नहीं वो मैं भाई को बताऊंगा। मुझे बताना। इधर आओ, भाई की जान को खतरा है। हाँ, क्या कहा? भाई की जान को खतरा है। अरे इसने हाँ। क्या बोला पता है तुझे? हा? ये क्या बोल रहा है भाई? भाई की जान को खतरा है। क्या हल्ला कर रहे हो? नमस्ते भाई। ये पालन खेत से ज्योतिषी आया, कह रहा है कि जान को खतरा है। क्या जोक मारा है? जोक नहीं भाई, कसम से। अगर ये कसम खा रहा है तब तो सच बोल रहा है, भेज दो उसे। नमस्ते भाई। नमस्ते, नमस्ते। आओ, आओ, आओ। क्या पालन खेत? हाँ भाई। तुम्हारा ज्योतिष क्या बताता है कि मेरी जान को खतरा है? हाँ भाई, खतरा है। अरे पागल, आयु रेखा देखी क्या तुमने? देखो भाई, नेशनल हाईवे जैसी एकदम सीधी चली जाती है। सही है भाई, पर आपको ए, चुप। जन्म तो ब्रह्मा देता है लेकिन मौत दासु लिखता है। इन हाथों से कितनों की जान गई मालूम है? आदमी कितना भी बड़ा हो जाए पर टाइम खराब हो तो क्या कर सकते हैं भाई। इतनी बात की पर अब तक कैसा जिंदा है तू? वाह, क्या बोल रहा है तू? तेरे हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हेलो दासू। अब बोलिए साहब। हनुमान की वीडियो क्लिप मिल गई है, तुम जल्दी यहाँ चले आओ। ठीक है दासू। दासू दासू चला गया है, मैंने भेज दिया उसे। तुम कौन बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बहुत नजदीक का हूँ, हनुमंता। क्या हुआ, क्या हुआ दादाजी? उस हनुमंत ने दासू को मार डाला। क्या उसने दासू को मार डाला दादाजी? तुम उसे जानते हो? उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था दादाजी, कॉलेज में रैगिंग करते समय उसने मुझे मारा था। तुम्हें जितने चाहिए उतने आदमी लेकर जाओ, पर आज वो हनुमंत बचना नहीं चाहिए। बाहर निकलो साहब। मार डालो इसको। hey!
ले चलो इसको। सर उठा के देख, तेरे सामने यमराज खड़ा है। hey, अब देख, तेरा दादा, तेरा बाप और उनके बाद अब तू भी। तुम्हारी तीन पीढ़ियों को मैंने मार डाला है। मैंने इन हाथों से तुम्हारी तीन पीढ़ियों को मार डाला है। अब मैं देखता हूँ मुझे भारत रत्न लेने से कौन रोकता है। अरे चिन्ना कृष्णमूर्ति, मार दो उसे। पिताजी, हम लोगों को एक दिन पहले दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। किस लिए? वहां पर ऑडिटोरियम रिहर्सल के लिए। रिहर्सल किस लिए? फंक्शन में कौन कौन कहां कहां रहेगा, गाड़ियों की पार्किंग किस तरह होगी, यह स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाले बताएंगे। यह सब जानने के लिए जाना है। आओ आओ, क्या बात है? सर, हुसैन सागर में एक लाश मिली है। पन्ना, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सर, वो आपके पोते की लाश है। ए, क्या पक रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? कह रहा हूं। हाँ, क्या? सर, बॉडी के साथ कैसेट भी मिली है। सर, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। सच बता, शहर की सारी लड़कियां कहां गई? क्या किया तूने उनके साथ, बता। लड़कियों को किडनैप करके, रेप करके मार डाला हमने। आगे बोल, ऐसा करने के लिए तेरा दिल कैसे किया? दादाजी ने कहा कुछ भी करो लेकिन सबूत कभी मत छोड़ो। अच्छी सीख दी है तेरे दादा ने तुझे। तेरे दादा को भारत रत्न देना ही चाहिए। अरे मुझे माफ कर दो। मैं तो तुझे माफ कर दूं पर वो लड़कियां तुझे कैसे माफ करेंगी हैं? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, छोड़ दो। अगले जन्म में इसका पोता बनकर पैदा मत होना, ये भगवान से जाकर कहना, समझ गया ना? डर मत कृष्णमूर्ति, तेरी आंखों में आंसू मत आने देना। अगर आंसू आए तो लोग समझेंगे तू इंसान है। बंद कर दो ये कैसेट। ध्यान से सुन, सबूत मिटाना तुम्हारा स्टाइल है। सबूत दिखाकर ईमानदारी से लोगों को इंसाफ दिलाना, यही मेरा स्टाइल है। तेरा पोता मर गया इसलिए शहर की सभी लड़कियों की तरफ से मैं एक जश्न का बम फोड़ूंगा। बम? क्या कृष्णमूर्ति, इतनी जल्दबाजी करने से क्या फायदा? क्या हनुमान का ऑपरेशन शुरू हो गया क्या? ए, तुम्हें तो सिर्फ शुरू करने आता है लेकिन मेरे पिताजी को खत्म करने अच्छी तरह आता है। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है तुम्हें इस बात का पता है? मुझे मालूम है तुम मुझे मारने के लिए आए हो। मुझे इसी मौके की तलाश थी। मैं तुम्हारी आंखों में डर देखना चाहता था कृष्णमूर्ति। क्या तुम ये सोच रहे हो हनुमंता को मैं कैसे मारूं? यही सोच रहे हो ना? लेकिन ये हनुमंता तुम्हें कैसे मारेगा, तुम्हें कैसे पीटेगा, ये सब ऊपर जाकर हनुमंत राय को मैं बताऊंगा। सीताराम भैया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उसे जाकर बेझिझक बोल देना जैसे मैंने उसके बाप को मरवाया था सबकी आंखों के सामने, वैसे ही उसे भी मारूंगा सबकी आंखों के सामने। कमिश्नर, शूट हिम। सीताराम कहाँ गया? मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। यहाँ से गाड़ी मेन रोड पर नहीं जानी चाहिए। 2 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट में एक रास्ता आएगा, वहां पर आ जाना। और किसी भी हालत में मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊंगा। मेरे आदमी वहाँ पर तैयार रहेंगे। दादी तुम्हारी राह देखती होगी। मैं कैसे भी करके KM को लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा।
पर 1259 तक कैसे भी पहुंच जाना। हमारे प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। 1259 को मैं केएम के साथ वहां पर रहूंगा। अब एक एक पल हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं यहां पर उतरता हूं। हनुमंता सावधान रहना, वो कुछ भी कर सकता है। आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए सीताराम जी, आप आराम से यहाँ से जाइए और कल टाइम पे आ जाइएगा। सर, दिल्ली फ्लाइट का वक्त हो रहा है, वहाँ भी हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। क्या सीताराम मिला? नहीं सर, सीताराम को पूरे शहर की पुलिस जगह जगह पर ढूंढ रही है। पूरे शहर में ढूंढ रही है पुलिस, ढूंढ रही है और वो अब तक नहीं मिला। सबको कहना शाम को मेरे घर आ जाना, समझे? मृतक की अस्थियां पानी में विसर्जित करो। अन्ना, मेरे पोते का पिंडदान करना है, उसे जिसने भी मारा है उसी की समाधि के पास उसे गाड़ दूंगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, 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 प्लीज। किडनैपर का कोई फोन नहीं आया सर, उनकी डिमांड मंजूर है क्या? सर, केएम ने जिसे किडनैप किया वो क्या नक्सलवादी है? सर बताइए सर, डिमांड क्या है? प्लीज, अब तक उनकी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हम लोग उन्हें 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। ये जिन जिन को पता चला है वो जिंदा नहीं रहने चाहिए, जिंदा नहीं रहने चाहिए। हनुमंता, मैं सीताराम आ गया हूँ। हेलो, तुम लोगों ने पता लगाया कि नहीं अभी तक? मैं केएमजी का बेटा बोल रहा हूँ। सर, सर आंध्र प्रदेश में सबको अलर्ट कर दिया सर। सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र सब बॉर्डर पर इन्फॉर्म करके अलर्ट कर दो। बहन, कैसे हो तुम भैया? तुम कैसे हो मेरी बहन? मुझे क्या हुआ है? आप लोगों का पोता मेरे पास है जिसे पाल के बड़ा किया, हनुमंत को लेकर नहीं आई इसलिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी आपने। मुझे माफ कर दो बहन। हेलो मानसी, प्रोग्राम बिल्कुल पक्का है ना? आज का प्रोग्राम बिल्कुल कंफर्म है सर। देखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लाइव टेलीकास्ट है। ओके सर। सीताराम जी, आज हनुमंत पक्का आएगा ना? पक्का आएगा बेटी, वो अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए जरूर आएगा। हेलो कमिश्नर साहब,
मैं हनुमंता बोल रहा हूँ, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। कौन हो तुम? वैसे ही हम लोग पहले से बहुत टेंशन में हैं। उस टेंशन का असली कारण मैं ही हूँ सर। ये क्या बोल रहे हो तुम? जो ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पर नहीं है उनको वहाँ बुलाकर उनका टाइम वेस्ट मत करो कमिश्नर साहब। तुमको जो चाहिए केएम कृष्णमूर्ति मेरे पास है। ए बता तू कौन सी जगह से बोल रहा है? ऑन द वे हूँ मैं सर। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर आप आ जाइए तो आपको केएम मिल जाएगा। बोलो किधर पे आना है? नरसिंहपुरम एक गांव है, आंध्रा के मैप में देख लो। कृष्णमूर्ति, अगर तुमने कोई गलती करने की कोशिश की तो मार डालूंगा। तू हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से गेम खेल रहा है क्या? मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ कमिश्नर। कृष्णमूर्ति ने जो आंध्रा की जनता के साथ गेम खेला है वो अगर देखना है तो अपना टीवी ऑन करो और एसटीवी चैनल लगाओ। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को मेरा नमस्कार। आज मैं केएम के नाम से परिचित हूँ, पर ये केएम कभी कृष्णमूर्ति के नाम से भी जाना जाता था। इस नरसिंहपुरम में मेरा भी जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुआ था ये केएम मेरी वजह से। देशद्रोही, भारत रत्न लेने का मुझे कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। हनुमंता मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो हनुमंता, मत मारो। सीताराम भैया, जो कुछ भी हुआ था मैंने सब बता दिया है। अब तो मुझे छोड़ दो महालक्ष्मी। तुम तो कुछ बोलो, मुझे छोड़ने के लिए वो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, लेकिन तुमने आंध्र प्रदेश की इस जनता के साथ जो विश्वासघात किया, जो तुम्हें इतना प्यार करती थी और तुम्हें भारत रत्न लेते हुए देखना चाहती थी, उनमें से मैं भी एक हूँ। तुम्हें मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, अब ये फैसला सिर्फ आंध्र प्रदेश की जनता ही तुम्हारे लिए कर सकती है और कोई नहीं। देखते हैं क्या एक भी आदमी तुम्हें गलती के लिए माफ करता है। अगर किसी ने भी फोन पे तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सबको मेरा नमस्कार। कृष्णमूर्ति को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 9848136367। हेलो बेटा, भगवान पापियों को शिक्षा देने के लिए दुनिया में अवतार लेते हैं, आप वही अवतार लेकर इस दुनिया में आए हैं। हनुमान जी बोलिए सर। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष संतोष बोल रहा हूँ। ऐसे देशद्रोही को जिंदा में छोड़िए, मार डालिए इसे। हेलो सर, हिंसा नहीं होनी चाहिए, जो उसे करते हैं उसको मार डालो सर, मैं आपके साथ हूँ। मार डालो सर, मार डालो। माय सन, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा पाप करते हैं, जीसस उन्हें माफ कर देता है, पर इस पापी को मारने से पाप नहीं होगा, मारो इसे, मारो। ऐसे देशद्रोही को जिंदा छोड़कर अपने आप को दोषी मत बनाना, एक पल भी उसे सांस नहीं लेने देना, मार डालना उसे। मार डालो हनुमंता, मार डालो उसको। मैं तुम्हारा साथ हूं, मार डालो उसे। मार डालो उसे।
कृष्णमूर्ति, जब तक तुम गद्दी पे थे तब तक हजारों लोग तुम्हारी जय जयकार करते थे, आज वही लोग तुम्हारी जय जयकार नहीं तुम्हारी जान के दुश्मन बने हैं। आज कोई भी आदमी, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, और तुम KM किंग मेकर। थू पिताजी, सब लोग आओ, मारो, एक भी नहीं बचना चाहिए, मार डालो सबको। आप लोग कवरेज मत रोकना, लोगों को सब कुछ लाइव दिखना चाहिए। वंदे मातरम। हनुमंता, एक पते की बात बोलू क्या? हमारे गांव का नाम तेरी वजह से दुबई तक फेमस हो गया है। अरे सुनो, इसकी वजह से नहीं, मेरे दामाद हनुमंत की वजह से दुबई तक नहीं मुंबई तक गया है। मुंबई से दुबई दूर है। अरे रात में बुश जी से इतनी देर तक मैंने बात की पर उन्होंने ये बात मुझे बताई। अभी तो अपना सेल फोन बंद करके रखो। हटो,
ए, तू यूं बीच में क्यों आ गई? जॉब कर रही हूँ। तुम्हारा जॉब टीवी पर है? टीवी को रिजाइन करके हनुमान को डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, ओके। मेरे पास नहीं, उसके पास जाओ। सुन रहे, ये क्या मुझे डिजाइन डिजाइन करने की बातें कर रही हो? अरे तू रट, मेरी लाइफ तो मेरी बेबी के साथ है। ऐसा है मेरा हनुमान। सीताराम आज्ञा। जय विजय।